हेलो बच्चों, माय सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी इन लाचू मेमोरियल कॉलेज जोधपुर राजस्थान। बच्चों, आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हर्बल एक्सीपिएंट्स, और उसी के अंतर्गत एक कैटेगरी आएगी जिसका नाम है कलरेंट्स। तो ये जो टॉपिक जो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, उसके हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर इसको मेंशन किया गया है। कंटेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं। जब कंटेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल एक्सीपिएंट्स के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल कलरेंट्स के बारे में बात करेंगे, और डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्बल कलरेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हर्बल एक्सीपिएंट्स होते क्या हैं। जैसे कि हमने एक्सीपिएंट्स की जो डेफिनेशन है हमने अदर सब्जेक्ट के अंदर भी डिस्कस कर रखी है। जब हम एक्सीपिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो एक्सीपिएंट्स मेनली होते क्या हैं। एक्सीपिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इनर्ट टाइप के होते हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई केमिकल एक्टिविटीज़ पाई नहीं जाती हैं, केमिकली इनर्ट्स होते हैं। दूसरा, उनमें किसी प्रकार की कोई भी स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिनल एक्टिविटी नहीं पाई जाती, या फिर अगर मेडिसिनल एक्टिविटी पाई जाती तो बहुत ही माइनर टाइप की मेडिसिनल एक्टिविटी उसके अंदर पाई जाती है। इनका जो मेन रोल होता है वो मेन रोल ये है, दे आर स्पेसिफिकली यूजफुल इन द मेकिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द फॉर्मुलेशन, में इसको बनाने में काम में लिया जाता है। तो जब हम एक्सीपिएंट्स को अगर डिफाइन करते हैं तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर इनर्ट, विच हैव लिटिल और नो थेरापेटिक वैल्यू, बट रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। वो कोई भी फार्मुलेशन हो सकती है, सिरप हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, और टैबलेट्स हो सकते हैं। तो इनकी फार्मुलेशन को बनाने के लिए एक्सीपिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द एक्सीपिएंट। और जब हम एक्सीपिएंट्स के पहले है कि जो वर्ड पढ़ रहे हैं उसका नाम है हर्बल, तो ऑब्वियसली बात है जब जहाँ पर भी नाम हर्ब लग जाता है, हर्बल लग जाता है, इसका मतलब क्या है, वो जो एक्सीपिएंट्स हैं हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाले हैं। और यहाँ पे भी नेचुरल सोर्स के बारे में बात करते हो तो स्पेसिफिकली जो हर्ब हैं उनसे हमें जो एक्सीपिएंट्स ऑब्टेन होते हैं उनको हम हर्बल एक्सीपिएंट्स के नाम से उनको जाना जाता है। हर्बल एक्सीपिएंट्स को एक नाम से और जानते हैं जिसको हम फार्मास्यूटिकल एड्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल एड्स और हर्बल एक्सीपिएंट्स आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। अगर क्वेश्चन आता है हर्बल एक्सीपिएंट्स के ऊपर या फिर क्वेश्चन अगर आता है फार्मास्यूटिकल एड्स के ऊपर, तो उनका मीनिंग सेम रहेगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एक्सीपिएंट को एक्टिव इन्ग्रीडियंट के साथ मिक्स किया जाता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। पहली बात, उनको मिक्स करने के कारण क्या है। एक्सीपिएंट्स जो होते हैं दे आर यूज्ड टू मेक अप द वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मुलेशन, नंबर वन पॉइंट्स। दे आर यूज्ड टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन। नंबर थ्री जो आ रहा है, दे आर इम्प्रूव द अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी अगर फॉर्मुलेशन देखते हैं तो इट शुड लुक्स एलिगेंट, उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए। तो वो जो क्वालिटी है एलिगेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें जनरली हम हमारे एक्सीपिएंट्स या फिर फार्मास्यूटिकल एड्स को यूज़ करते हैं जो कि हमें हर्बल सोर्स से ऑब्टेन हो रहे हैं। जैसे कि हमारे कलर को इम्पार्ट करना है या फिर जो ऑर्डर है उसको इम्पार्ट किया जाता है। अगर कई फॉर्मुलेशन है जो एक्टिवली अपना एक्शन को परफ्यूम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मगर उनकी जो अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ द कलर अगर अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके अंदर हम हर्बल कलरेंट्स को यूज़ करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक भी है। अगर वो बैड स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है तो उस बैड स्मेल को मास्क करने के लिए हम कई प्रकार के फ्लेवरिंग एजेंट को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि वो जो हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें नेचुरल सोर्स से या फिर हर्ब से ऑब्टेन होने चाहिए। नेक्स्ट जो आ रहा है, टू मास्क द बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। मास्क द बिटर टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे कई प्रकार की फॉर्मुलेशन है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि मेडिसिनल ड्रग है उससे के द्वारा उसको लेके उनको बनाया जाता है, मगर कई बार ड्रग के साथ ये ड्रॉबैक पाया जाता है कि उनका जो टेस्ट होता है एक्सटेंसिवली बिटर होता है। यहाँ पे बहुत सारी सीरीज़ हैं ड्रग्स की जिनका टेस्ट एक्सटेंसिवली बिटर होता है। कुछ के एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करूँगा, जैसे कि नक्स वोमिका का नाम आपने सुना होगा, स्ट्रकनस नक्स वोमिका ड्रग है, लोगेनी ऐसी फैमिली है। मेनली जो इफेक्ट इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा CNS स्टिमुलेंट इफेक्ट इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, मगर जब इसका टेस्ट करते हैं तो इट इज़ एक्सटेंसिवली बिटर, बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो कड़वा पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए मोस्ट पॉपुलर ड्रग सिंकोना ड्रग का।
सिंकोना ड्रग के अंदर हम जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, अल्कोलॉइडल कंटेनिंग ड्रग है, सिंकोना सक्सी रूबरा, सिंकोना काली साया, सिंकोना लेड गैरियाना, रूबी एसी फैमिली का प्लांट है। तो कई प्रकार की इसकी स्पीसीज जो है जीनस सिंकोना से बिलोंग करते हैं। मेजर एक्टिव कॉन्सेंट जो पाया जाता है वो क्यूनिन पाया जाता है, क्यूनिडीन पाया जाता है, सिंकोनिन पाया जाता है। क्यूनिन के होने की वजह से ये एंटी मलेरियल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मगर जब इसके टेस्ट को किया जाता है, जो सिंकोना बार के अगर पाउडर को आपको दे दिया जाए और उसे बोले कि आप इसे टेस्ट करके देखें, तो आप उसे टेस्ट नहीं कर पाएंगे, वॉमिट होने की फीलिंग आने लगती है अगर ज़्यादा देर तक आपने उसको अपनी टंग के ऊपर रख लिया, ज़्यादा देर तक उसको टेस्ट कर लिया। तो मेनली जब हम सिंकोना ड्रग को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फॉर्मुलेशन डेवलप करनी पड़ेगी, मगर उसकी प्रॉपर्टी टेस्ट की तो चेंज नहीं हो सकती। तो टेस्ट को चेंज करने के लिए हमें उसके अंदर कुछ एडेड इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे जो कि हमारे हर्बल एक्सीपिएंट या फिर फार्मास्यूटिकल एड कहलाते हैं। तो उस बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हमें हर्बल स्वीटनर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी के तरीके से कई और ड्रग है, क्वेशिया हो गया, चिराटा हो गई, दीज आर द सम अदर ड्रग, काल्मेक ड्रग हो गई जो कि बहुत ही बिटर टेस्ट रखती है, उनको टेस्ट को मास्क करने के लिए हमें स्वीटनिंग एजेंट को ऐड करना पड़ेगा। जो वन मोर कंडीशन है जिसके लिए हम हर्बल इंग्रेडिएंट्स को, हर्बल एक्सीपिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर्मुलेशन के अंदर, टू इंप्रूव द बाइंडिंग प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, डिसइंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी एंड द सस्पेंडिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देर इज़ ए नीड टू ऐड द हर्बल एक्सीपिएंट्स और द फार्मास्यूटिकल एड्स इंग्रेडिएंट्स। इसका कारण है, कारण ये है कि जैसे कि हम यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के जिन बच्चों नाम लिखे गए हैं, चाहे वो बाइंडिंग हो, विस्कोसिटी हो, डिसइंटीग्रेटिंग हो, सस्पेंडिंग प्रॉपर्टी हो, एक कैटेगरी है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट ड्रग। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा फिफ्थ, जब हम बात करते हैं इसको फिफ्थ सेम के अंदर या फोर्थ सेम के अंदर आप इसको पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग जैसे कि मोस्टली अकेशिया हो गया, ग्वार गम हो गया, ट्रैगाकांत हो गया, अगार हो गया, दीज आर द नंबर ऑफ द सीरीज ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग विच कम्स अंडर द केमिकल कैटेगरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ऑल सच काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़। जैसे कि ट्रैगाकांत के बारे में बात करें तो वो एक हमारा सस्पेंडिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एमल्सीफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा, सस्पेंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। ग्वार गम है वो एडहेसिव प्रॉपर्टी को शो करता है, अकेशिया गम है वो भी हमारी एडहेसिव प्रॉपर्टी को शो करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, स्टार्च है वो डिसइंटीग्रेटिंग एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बच्चों नाम लिए हैं, ऑल आर द ड्रग्स विच कम्स अंडर द कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी, और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कैटेगरी की जो ड्रग है मोस्टली वो हमारी फार्मास्यूटिकल एड या फिर हमारी हर्बल एक्सीपिएंट की कैटेगरी के अंदर वो पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड आ रही है दैट इज़ रिलेटेड विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हर्बल एक्सीपिएंट्स। हर्बल एक्सीपिएंट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, इनको एक एक करके डिस्कस किया जाता है। नंबर वन जो आ रही है वो है हमारी बायो कंपैटिबल। जब हम बायो कंपैटिबल के बारे में बात करते हैं तो इस वर्ड को देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना, बायो प्लस कंपैटिबल। बायो का मतलब है लिविंग और कंपैटिबल का मतलब है किसी प्रकार की कोई अनवांटेड केमिकल रिएक्शन इनके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती, या फिर दूसरे शब्दों में कहें ये वो प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी सिस्टम के साथ बिल्कुल मैच करते हैं, इनके द्वारा किसी प्रकार की एक्सेस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते, किसी प्रकार की इनकम्पैटिबिलिटी इन एजेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती। उसका होने का कारण क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो इंग्रेडिएंट है जो कि हर्बल एक्सीपिएंट्स को यूज़ किया जा रहा है, दे मेनली कंटेन द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट या फिर इनकम्पैटिबिलिटी पाई नहीं जाती। दूसरा जो आ रहा है हमारा बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज़। जब हम बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, इसको भी दो वर्ड में तोड़ेंगे, बायो प्लस डिग्रेडेबल। बायो का मतलब लिविंग और डिग्रेडेबल का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दो सब्सटेंसेस विच कैन ईजिली ब्रेक डाउन विद इन अवर ह्यूमन बॉडी, दे हैव बीन टर्म्ड एज ए बायोडिग्रेडेबल, एंड इट इज़ ए वेरी गुड साइन बिकॉज द एक्सेस कंसनट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल नॉट प्रेजेंट अवर बॉडी। इनके अगर ये आसानी से टूट रहे हमारी बॉडी के अंदर तो इनका एलिमिनेशन इजीली हो जाएगा और किसी प्रकार के टॉक्सिन सब्सटेंस की फॉर्मेशन इनके द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर टॉक्सिन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं है तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो साइड इफेक्ट्स ऑन द लिविंग बींग एंड ऑन द एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंट के अंदर भी और बॉडी लिविंग ह्यूमन के लिविंग सिस्टम के अंदर भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट्स इनके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है, दे आर इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव है। नंबर फोर है सेफ एंड द फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बायो कंपैटिबल भी है और बायो डिग्रेडेबल भी है और इजीली अवेलेबल, इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इजीली हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंस विच आर रिलेटेड विद द हर्बल एक्सीपिएंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द
डिसएडवांटेज ऑफ द हर्बल एक्सीपिएंट। बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, ड्रग्स चाहे वो सिंथेटिक ओरिजिन से हम ऑप्टेन हो रही हो, चाहे वो नेचुरल ओरिजिन से ऑप्टेन हो रही है, दोनों ही इफेक्ट उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एडवांटेजेस इफेक्ट भी प्रोड्यूस होंगे और उसके द्वारा हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, तो दोनों के बारे में पता होना जरूरी है। अगर हमें हार्मफुल इफेक्ट के बारे में पता है तो हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा सही तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है। अब बच्चों यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है या फिर क्या क्या डिसएडवांटेज है हमारे हर्बल एक्सपीरियंस के। नंबर वन तो आ रहा है बच्चों माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज कह सकते हैं, क्योंकि इसके होने का कारण क्या है, इसके होने का कारण ये है क्योंकि जो भी नेचुरल सोर्स से जो हमें ड्रग ऑप्टेन हो रही है वो हमें नेचर से ऑप्टेन हो रही है, वो चाहे किसी फॉर्म में हो, चाहे वो प्लांट्स के फॉर्म में हो, एनिमल सोर्स से हो, या फिर वो मैराइन सोर्स हो, चाहे वो मिनरल सोर्स हो, किसी भी सोर्स से अगर हमें ड्रग मिल रही है तो उसके अंदर चांसेस रहते हैं कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस उसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। कई प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हैं जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन को इंक्रीज़ करती है, जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई प्लांट्स ग्रो कर रहा है और वो काफ़ी नमी वाले या फिर वाटरी कंडीशंस के अंदर उसको ग्रो हो रहा है, उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है। तो जैसे कि हम जानते हैं वाटर बहुत बढ़िया सोर्स है माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए, तो देयर आर द चांसेस कि वो जो प्लांट है वो माइक्रोब्स उसके अंदर ज़्यादा पाए जाए, या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन उसके अंदर हो सकती है, बैक्टीरिया का इन की कॉलोनीज का डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन से भी प्लांट ग्रसित हो सकता है। तो जब भी हम हर्बल एक्सपीरियंट्स को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है और उनको रिमूव करना ज़रूरी है। ये तो हो गया नंबर वन पॉइंट। नंबर टू आ रहा है देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द हैवी मेटल्स कंटामिनेशंस। हर्बल इंग्रेडिएंट्स, हर्बल एक्सीपिएंट्स के अंदर या फिर हर्बल सोर्स से जो ड्रग ऑप्टेन होती है उनके अंदर, क्योंकि नेचुरल सोर्स से ऑप्टेन हो रही है, देयर आर द चांसेस उनके अंदर हैवी मेटल कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो हैवी मेटल्स कंपोनेंट हैं इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनमें पाए जाते हैं। मगर एक्सेस कंसंट्रेशन अगर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है और उनका डिटर्मिनेशन नहीं किया गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको अगर दे दिया गया है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, चाहे वो आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ डिजीज कंडीशन विद इन द ह्यूमन बींग्स, और डेथ कैन ऑल्सो बी अकर। फॉर दैट रीजन इनका डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर थ्री जो आ रहा है वो है हमारा बायोकेमिकल वेरिएशंस। बायोकेमिकल वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ, ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और द कंडीशंस। जैसे कि हम इन्वायरमेंटल कंडीशन और फैक्टर्स के अंदर बात करते हैं, कई जो ड्रग्स हैं उनको अब ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। डिफरेंट जीनस है जो कि कार्बोहाइड्रेट ड्रग कंटेन करती है, डिफरेंट स्पीसीज है जो कि कार्बोहाइड्रेट एक्टिव कॉन्सेंट कंटेन करती है। तो ये जब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो कीमोटाइप करेक्टर पे अफेक्ट करती है, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सी ड्रग को हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट है। अगर हम डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ को यूज़ कर रहे हैं और एक ही फॉर्मूलेशन के अंदर यूज़ किया जा रहा है तो कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो वेरी कर जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट अगर वेरी करेगा तो इट कैन इफेक्ट द हर्बल एक्सीपिएंट प्रॉपर्टी, तो जो फॉर्मूलेशन जो बनेगी उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये एक इसका और डिसएडवांटेज कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हमने कलरेंट्स के बारे में। जब हम कलरेंट्स के बारे में बात करते हैं तो नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इम्पार्ट द कलर, दे हैव बीन टर्म्स एज द कलरेंट्स। और उससे पहले जो वर्ड लग गया वो आ गया हमारा हर्बल, तो इसका मतलब क्या है, वो कलरेंट्स सब्सटेंस, वो कलर सब्सटेंस जो कि हमें हर्ब्स से ऑप्टेन हो रहे हैं उनको हम हर्बल कलरेंट्स के नाम से जानते हैं। जब हम हर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो हर्ब के अंदर वो हमें किस किस फॉर्म में ऑप्टेन हो सकते हैं, वो हमें प्लांट एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, वो हमें लीफ से ऑप्टेन हो सकते हैं, वो हमें फ्लावर से ऑप्टेन हो सकते हैं, और वो हमें बार्क से ऑप्टेन हो सकते हैं, प्लांट रूट से भी वो हमें ऑप्टेन हो सकते हैं। तो देर आर द वेरियस टाइप ऑफ द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच वी आर एबल टू गेट द कलर, फॉर दैट रीजन दे हैव बीन टर्म्ड एज ए हर्बल कलरेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट शुड बी द आइडियल प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द हर्बल कलरेंट्स। दे शुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, उनके अंदर किसी प्रकार की फॉरेन इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। नंबर टू, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, क्योंकि हम हर्बल एक्सीपिएंट्स पढ़ रहे हैं और हर्बल एक्सीपिएंट्स के अंदर हम कलरेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई भी एडवर्स इफेक्ट कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी इनर्ट कंडीशन के अंदर पाए जाने चाहिए, तो जो टॉक्सिसिटी लेवल है बिल्कुल भी उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मोस्टली जो हम कलरेंट्स यूज़ करते हैं वो पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं,
तो जो पाउडर फॉर्म जो का जो पार्टिकल साइज है वो शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ, सपोज कीजिए अनइवन पार्टिकल साइज होगा, तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम उनको अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो वो इरिटेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्किन रैशेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये कंडीशंस हैं कि जो हर्बल कलोरेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ के होने चाहिए। दे शुड नॉट प्रोड्यूस द इरीटेशन टू द स्किन एंड द स्कैल्प। जैसे कि हम मेहंदी यूज़ करते हैं अपने बालों में लगाते हैं रंग करने के लिए, कई प्रकार की नेचुरल डाइज को हम यूज़ करते हैं अपने बालों को रंगने के लिए यूज़ किया जाता है, तो कई बार वो स्कैल्प पे ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि ईचिंग होने लग सकती है या फिर इरीटेशन होने लगती है, इन्फ्लामेशन होने लगती है। ये जो इफेक्ट है दे शुड बी नॉट प्रजेंट वैन वी आर यूजिंग द हर्बल कलरेंट्स। तो ये बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ रिलेटेड विद द हर्बल कलरेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्टली द डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द हर्बल कलरेंट्स। इसमें जो एक एक करके डिस्कस करते हैं, चार हेडिंग्स हैं, हर्बल सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है और हमारे किस कंडीशन में उसको यूज़ किया जा रहा है। हालांकि हर्बल कलरेंट्स है तो नेचुरल कलरेंट्स तो आना ही आना कॉमन रहेगा। सबसे पहले जो ड्रग आ रही है वो है हमारी टर्मरिक। टर्मरिक वेरी पॉपुलर ड्रग जिसको हम हल्दी के नाम से जानते हैं, करक्यूमा के नाम से जाना जाता है। मेनली इसके जो रूट्स एंड जो राइजोम हैं वो यूज़ किए जाते हैं। करक्यूमा लोंगा इसका बोटानिकल नेम है और इसकी जो फैमिली है वो है हमारी जिंजिबेरेसी। कई प्रकार के एक्टिव कॉन्सेंट और केमिकल कैटेगरी कंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, एसेंशियल ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मेन जो एक्टिव इसके अंदर कैटेगरी जो प्रेजेंट है वो है हमारी करक्यूमिनोइड्स। और करक्यूमिनोइड्स के अंदर तीन एक्टिव कॉन्सेंट मेनली पाए जाते हैं। एक तो हो गया हमारा करक्यूमिन, एक हो गया करक्यूमिन, दूसरा हमारा डी मिथॉक्सी करक्यूमिन और तीसरा जो आ रहा है वो है बिस डी मिथॉक्सी करक्यूमिन। उनमें भी अगर देखा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा करक्यूमिन। इस करक्यूमिन के होने की वजह से ही जो हमारे हल्दी के द्वारा जो गोल्डन येलो कलर जो प्रोड्यूस होता है वो करक्यूमिन के होने की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। जब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफिकली जो कलरेंट्स की फॉर्म में तो उसको यूज़ करेंगी, नेचुरल कलरेंट्स तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो होता है इसके द्वारा स्किन के ऊपर वो भी इसके बारे में पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली ये एंटीसेप्टिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता ही है और यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, तो जिससे कि जो टैनिंग हो जाती है उसको प्रिवेंट करने का ये काम करेगा। स्किन की जो सेल्स है उसको रिजेनरेटिंग पावर को इंक्रीज़ करेगा, लॉन्गिविटी ऑफ सेल्स को प्रमोट करता है और दूसरा नेचुरल कलरेंट्स की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग आ रही है उसका नाम है एमरैंथ। ये एक प्लांट है और एमरैंथ जो है मेनली ये हमें फ्लावर से ऑप्टेन होता है। इसका जो बोटानिकल नेम है वो है एमरैंथस हाइपोकॉन्ड्रिकस, ये इसका बोटानिकल नेम है। फैमिली जो है वो है एमरैंथेसी। मेनली इसके अंदर केमिकल कैटेगरीज जो प्रेजेंट रहती हैं वो है हमारी फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन एंड द पॉलीफिनोल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ये नेचुरल कलरेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जिसको हम एमरैंथिन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। एमरैंथिन इज़ अ मेजर एक्टिव कॉन्सटेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द ड्रग एमरैंथ। नेक्स्ट ड्रग जो आ रही है वो है हमारी सैफ्रॉन, जिसको हम केसर के नाम से भी जानते हैं, इसको क्रोकस के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें फ्लावर से ऑप्टेन होता है, स्पेसिफिकली जो स्टिग्मा और स्टाइल टॉप जो होता है फ्लावर का उसमें उसको यूज़ कर उसमें ही उसको ही यूज़ किया जाता है ड्राई करके। क्रोकस सटाइवस इसका बोटैनिकल नेम है और फैमिली जो होती है वो है इसकी इरिडेसीज की फैमिली है। एक्टिव कॉन्सटेंट के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर मेनली कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट रहता है, क्रोसिन हो गया, पिक्रोक्रोसिन हो गया, क्रोसिटिन हो गया और सेफ्रानाल हो गया। और मेनली इसका जो यूज़ है वो नेचुरल कलरिंग डाई के फॉर्म में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। केसर जो है हाईली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर भी पाया जाता है क्योंकि इसका कल्टीवेशन और जो उसकी जो अवेलेबिलिटी है कम है, मगर फॉर दैट रीज़न इसकी वजह से इसके रेट जो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। एक बात बच्चों मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे, जो मुझे शुरुआत में बता देनी चाहिए थी मैं भूल गया, इसको आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि कुछ केमिकल कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो कि प्लांट्स के अंदर कलर को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सम ऑफ द पिगमेंट्स आर हाईली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द कलर टू द प्लांट्स। जैसे कि कुछ कैटेगरी का नाम दिमाग में रखिएगा, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स हो गए, पॉलीफिनॉल्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए, ये कुछ ऐसे कैसे कैटेगरी हैं जिनके होने की वजह से ही कलर प्रोड्यूस मेनली हर्ब्स के अंदर होता है। एक लास्ट ड्रग इसके अंदर और मेंशन करेंगे जिसका नाम है हिना, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, सॉरी लास्ट तो नहीं बोलेंगे, सेकंड लास्ट बोलेंगे। इसका जो ड्रग आ रही है वो हमारी हिना, जिसको हम मेहंदी के नाम से जानते हैं। ये भी हमें डाइप की फॉर्म में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसका जो प्लांट है वो है लॉसोनिया इनरमिस।
ये लीफ से ऑप्टेन होता है, लीफ को ड्राई कर लिया जाता है और ड्राई करने के बाद उसको यूज़ करते हैं। इसको जो फैमिली है वो लिथ्रेसी फैमिली का ये प्लांट है। मेनली एक्टिव कॉन्स्टेंट जो इसके अंदर पाए जाते हैं कैटेगरी फॉर्म की अगर देखा जाए वो है नैप्थाक्विनोन, डेरिवेटिव्स कंटेन करता है, और मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट का नाम है लॉसॉन। इसके अंदर मेनली लॉसॉन्स पाया जाता है। स्ट्रॉल्स प्रेजेंट रहेंगे, बीटा सिट्रोस्ट्रोल्स, स्टिग्मा स्ट्रोड, लासिरेटोल इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। काउमरिन जैसे मैंने आपको बताया था, काउमरिन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ला काउमरिन, फ्लेवोनॉइड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ल्यूटियोलिन, 3-ग्लूकोसाइड इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट है जिनके होने की वजह से ये अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिफिकली हर्बल एक्सीबेंट की फॉर्म में इनको यूज़ किया जाता है, कलरेंट की फॉर्म में। तो जैसे कि यूजेस के बारे में बात करते हैं तो डाई हिना यूज टू डाई द स्किन, हेयर्स एंड द फिंगर नेल्स को डाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लास्ट ड्रग आ रही है बच्चों जिसका नाम है इंडिगो प्लांट। और जब हम इंडिगो प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, ये एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लू कलर का होता है। इंडिगो जो प्लांट्स है ये हमें इसकी लीव से ऑप्टेन होता है। बोटैनिकल नेम जो है वो है इसका इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, इसका बोटैनिकल नेम है। और ये जो ड्रग है ये हमारी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जब हम इस ड्रग के बारे में देखते हैं कैसे हम इससे ब्लू कलर ऑप्टेन कर सकते हैं, इसको बनाने का बच्चों एक तरीका होता है, एक मेथड है। तो मैंने इसको एक्टिव कॉन्स्टेंट के साथ ही बनाने के तरीके को भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये स्पेसिफिकली डाई के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। जब हम इसको किस तरीके से ऑप्टेन कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसमें करना क्या होता है, जो लीव्स होती हैं इंडिगो प्लांट्स की उसको हम पानी के साथ रख देते हैं और फर्मेंटेशन होने के लिए इसको रख दिया जाता है। जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तो उसके दौरान कुछ केमिकल चेंजेस हैं वो पाए जाते हैं। वो केमिकल चेंजेस क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, इसको मैंने रेड पेन से लिखा है ग्लाइकोसाइड इंडिकेन। जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तो ये जो ग्लाइकोसाइड इंडिकेन है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द वन एक्टिव कॉन्स्टेंट जिसका नाम है इंडिगोटीन। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस द ग्लाइकोसाइड इंडिकेन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द ब्लू कलर डाई जो कि है इंडिगोटीन में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो इंडिगोटीन में कन्वर्ट होगा बच्चों तो वो ब्लू कलर को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट जो होते हैं इनको हम बेस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन के साथ उसको रखा जाता है। इसके अंदर मेनली जो एक्टिव कॉन्स्टेंट जो पाए जाते हैं वो रेटिनॉइड्स कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, डिग्यूलिन, डिहाइड्रोडिग्यूलिन एंड रेटिनॉल, रेटिनॉन, टैफ्रोसिन एंड द सुमाट्रोल इसके अंदर मेनली एक्टिव कॉन्स्टेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और मेजर यूज़ तो हम इसका जानते ही हैं, दे हैव बीन एक्ट एज ए नेचुरल कलरेंट्स की तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये कुछ हमारे एग्जांपल्स आ गए ड्रग के जो कि हमारे नेचुरल कलरेंट्स के अंदर आते हैं। और ये नेचुरल कलरेंट्स ही हैं जो कि हमारे किसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द हर्बल एक्सीपिएंट्स। तो बच्चों इस लेक्चर को मैं YouTube पे डाउनलोड कर दूंगा। आप इसके इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आप मटेरियल अगर मुझसे चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप YouTube के में जो लेक्चर है आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट आप लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।